मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, यू नो नाउ यू आर इन प्लस वन क्लास, सो यू हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स वेरी ब्रीफली. ओके, फर्स्ट यू हैव टू नो दैट एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. हु? एडम स्मिथ. ओके, हाँ जी. फिर देखिए बेटा, आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स है क्या. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस है. ठीक है, जो ह्यूमन बिहेवियर है, जो हमारा बिहेवियर है, उसकी स्टडी करती है और रिलेशनशिप बताती है एंड्स एंड स्कार्स, जो हमारे रिसोर्सेज और उनकी अल्टरनेटिव वांट्स हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है? एक स्टडी है. ठीक है, एक रैशनल मैनेजमेंट है. ठीक है, जो इसकी स्टडी करती है, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करती है, जिसमें क्या बताया जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है. क्योंकि जो रिसोर्सेज है बेटा, देखो, एक तो वो लिमिटेड है. ठीक है, और उनके अल्टरनेटिव मतलब बहुत सारे यूजेज हैं, और उनकी वांट्स अनलिमिटेड है. मतलब लोग बहुत ज़्यादा, जो लोगों की वांट्स बहुत ज़्यादा, लाइक मैं मिल्क की एग्जांपल देती हूँ. मिल्क क्या एक लिमिटेड रिसोर्स है. ठीक है, बट इसके यूजेज कौन से हैं? अल्टरनेटिव यूजेज हैं. ठीक है, लाइक हम इससे पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं. ठीक है, लस्सी बना सकते हैं. ठीक है, मतलब इसके अल्टरनेटिव यूजेस हो गए. ठीक है, फिर पर इसकी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. लोगों को मिल्क बहुत ज़्यादा चाहिए है. ठीक है, तो जैसे हम देखो, हमने स्टडी करी लिमिटेड रिसोर्स मिल्क, इसकी क्या अल्टरनेटिव यूजेज हैं, जो हम दही मक्खन पनीर जो भी हमने बनाना है, और इसके क्या अनलिमिटेड वांट्स हैं. ठीक है, जो इसकी स्टडी होती है वो इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसको. ठीक है, और एडम स्मिथ है, उसको क्या बोलना है हमने? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज़. ओके, अंडरस्टैंड?